हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आ चुके हैं नई वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मोबाइल फोन हैंग करता है उसको ठीक कैसे करना है। सारे मोबाइल फोन्स में आपका एक ही प्रॉब्लम होता है गाइस, मोबाइल फोन हैंग करने का। और हर मोबाइल फोन का जो आपका प्रोसेस रहेगा आप लोगों का एक ही रहेगा। कोई भी डिवाइस हो आप लोगों के सामने, डिटेल बताने वाला कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देख सकते हैं मेरे सामने वीवो का डिवाइस है, यह मेरा मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। कैसे उसको सॉल्व करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश से पहले मैं क्या करता हूँ उसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद तो गाइस थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा हैंग कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, आप लोग सबसे पहले अपना जो सेटिंग है सेटिंग में आना है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग ऑप्शन पर टैप करना, सीधा आप लोग को स्क्रॉल डाउन जाना है। स्क्रॉल डाउन जाने के बाद क्या करना है गाइस, आप लोग एक ऑप्शन ढूंढना होगा मोर सेटिंग है। मोर सेटिंग मेरा आ गया यहाँ पे। इसमें आप लोग एक ऑप्शन ढूंढना होगा गाइस यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट, ठीक है। क्या करना आप लोग को, बैकअप एंड रीसेट के एक ऑप्शन होता है आप लोग को ढूंढना होगा। अगर आप लोग को नहीं मिलेगा तो क्या कीजिए, आप लोग सर्च बार में ऊपर सर्च करिएगा बैकअप एंड रीसेट, आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बैक करते हैं हम इसको पहले। तो मेरा ऑप्शन मिल चुका है यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट का, ठीक है। सिंपली से गाइस क्या करना है मुझे, इसमें यहाँ पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद क्या करना है गाइस, आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिर रीसेट ऑल सेटिंग या इरेज ऑल डेटा। तो आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोग अगर मोबाइल फोन हैंग करा तो आप लोग सबसे सिंपल सा आप लोग का सॉल्व करने का ट्रिक क्या, आप लोग को अपना जो मोबाइल फोन है उसको रीसेट कर दीजिए। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे दिख रहा है रीसेट, ठीक है गाइस। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे रीसेट का, मैं इसको बैक कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है मेरे सामने रीसेट ऑल सेटिंग। क्या करना है सिंपली से मैं इस पर टैप कर लूँगा। यहाँ पे टैप करने के बाद आप लोग को फिर वेट करना है यहाँ पे, आपका जो लॉग स्क्रीन का पासवर्ड है पासवर्ड को पहले यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड उसको एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद क्या होगा गाइस, आप लोग को फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे। तो गाइज मेरे यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे आ गया रीसेट का ऑप्शन, क्या करना है सिंपली से आप लोग अब रीसेट का ऑप्शन पे टैप कर देना। इस पर टैप करने के बाद क्या होगा, आपका जो मोबाइल फोन है आप लोग का रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप लोग का जो भी सेटिंग होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अपना मोबाइल फोन आप लोग यहाँ पे स्विच ऑफ होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे आप लोग ऑन होगा आपको बता देंगे यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ वेट करिए थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन यहाँ पे ओपन हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं गाइस जो मेरा मोबाइल फोन यहाँ पे ओपन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो मेरा पे लॉक था वो भी हट चुका है यहाँ पे। और देख सकते हैं जो मेरा ये मोबाइल फोन है बहुत ही अच्छे से आपको स्मूथली तरीके से आपका वर्क कर रहा है। तो मैंने आप लोगों का इसमें सोल्यूशन बता चुका है कैसे आप लोगों को इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है हैंग प्रॉब्लम को। चलिए वीडियो को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।